वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया कि फॉरेस्ट के बहुत सारे लॉज बने हुए थे, है ना। कोई वहां पे नहीं जा सकता था, फॉरेस्ट के लॉज को ब्रेक नहीं कर सकता था, और कुछ लोग जाते थे फिर भी ब्रेक कर चोरी छुपे सीक्रेटली जाते थे। पर काफी लोगों को अपना क्राफ्ट छोड़ना पड़ा और दूसरी जगह जाके सर्च करना पड़ा, मतलब दूसरी जगह वो जाके काम को ढूंढने लगे थे। नाउ टूडेज टॉपिक इज आयरन एंड स्टील फैक्ट्री कम्स अप इन इंडिया। कैसे आयरन और स्टील की फैक्ट्री हमारे इंडिया में आई। द ईयर वॉज 1904। कौन सा ईयर था? 1904। इन द हॉट मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल का हॉट मंथ था, चार्लीज वेल्ट एंड अमेरिकन जियोलॉजिस्ट एंड डोरा जी टाटा द एल्डेस्ट सन ऑफ जमशेद सी टाटा। ये कौन थे? एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे टाटा जी, और वो किसके किसके एल्डेस्ट सन थे? जमशेद सेठ जी के एल्डेस्ट सन थे, जो कि क्या कर रहे थे, वो ट्रेवलिंग इन अ छत्तीसगढ़, वो ट्रेवल कर रहे थे छत्तीसगढ़ में इन द सर्च ऑफ आयरन ओर डिपॉजिट। आयरन ओर डिपॉजिट के सर्च में वो क्या कर रहे थे? ट्रेवल कर रहे थे। दे हैड स्पेंड द मैनी मंथ ऑन कॉस्टिंग वेंचर लुकिंग फॉर द सोर्स ऑफ गुड आयरन और ओर सेटअप मॉडर्न आयरन स्टील प्लांट इन इंडिया। वो काफी सारा उन्होंने मंथ लगा दिया, काफी मंथ कॉस्ट लगा रहे थे। वो क्या कर रहे थे? आयरन को ढूंढने के लिए वो बहुत सारा कॉस्ट भी वेस्ट कर रहे थे, बहुत सारा पैसा वेस्ट कर रहे थे केवल और केवल आयरन की सर्च में। जमशेद सिंह टाटा हैड डिसाइडेड टू स्पेंड अ लार्ज पार्ट ऑफ, वो क्या कर रहे थे, अपना बहुत सारा पैसा क्या कर रहे थे, स्पेंड करना चाहते थे, खर्च करना चाहते थे किससे? आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज ने, इंडिया ने। बट दिस कुड नॉट बी डन विदाउट आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ फाइन क्वालिटी ऑफ ओर। लेकिन उनको फाइनली क्या हो रहा था, उन्हें मिल नहीं रहा था कोई अच्छे क्वालिटी का कोर हमारे इंडिया में, तो वो इसकी सर्च में ही ट्रेवल कर रहे थे। वन डे आफ्टर ट्रेवलिंग फ्रॉम मैनी आवर्स इन द फॉरेस्ट वेल्ड, डोर्जी केम्स अप द स्मॉल विलेज एंड फाउंड अ ग्रुप ऑफ मैन एंड वुमेन कैरिंग अ बास्केट लोड ऑफ आयरन कोर। बहुत सारा ट्रेवल करने के बाद एक दिन क्या हुआ, उन्होंने एक फॉरेस्ट में गए, वहां पे उन्होंने देखा कि एक स्मॉल सा विलेज था, वहां पे देखा उन्होंने कि बहुत सारे मैन और वुमेन है, वो लोग क्या करके रखे हैं, कैरी करके रखे हैं बास्केट, उनकी लोडेड है पूरी किससे, आयरन कोर से। वो पीपल कौन थे? बेसिकली उन पीपल का नाम क्या था? अगारियास। अगारियास के बारे में अभी पिछले वीडियो में फिगर ने डिस्कस किया है अगारियास कौन थे। When asked, उन्होंने पूछा where did you have find the iron core? मतलब उन्होंने पूछा कि आपने ये iron core आखिर ढूंढा कहां से? तो अगारीज ने कहां थे point किया, हिल ने point किया कि हमने वहां से ये iron कहां क्या किया, found किया है। Well then डोराबजी reach the hill, उन्होंने वहां जाके वो क्या करते हैं, उस हिल में जाके देखते हैं, तो फाइनली उनको क्या होता है, वो उनको वहां पे वो आयरन मिल जाता है। ही वॉज लुकिंग फॉर द, वो वहां पे आयरन जाके देखते हैं, ही हैड बीन लुकिंग फॉर द राजहारा हिल्स अहैड द वन ऑफ द फाइनेस्ट ओर इन द वर्ल्ड। ये जो थी राजहारा हिल्स थी, वो क्या थी, एक फाइनेस्ट ओर थी वर्ल्ड की। बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम, वहां पे एक क्या थी, प्रॉब्लम थी। वहां का रीजन कैसा था, ड्राई था, और वहां पे ज्यादा वाटर नहीं था। फैक्ट्री को रन करने के लिए बेसिकली हमें वाटर चाहिए, तो वहां के रीजन में ये प्रॉब्लम पाई गई। वॉज नॉट फाउंड द नियर बाय, और उनको वहां आसपास कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं मिल रही थी जहां पे वो क्या कर सकें, अपनी इंडस्ट्री और स्टील इंडस्ट्री को चला सकें। द टाटाज हैज कंटिन्यू देयर सर्च मोर बाय द, इसी तरह वो अपनी सर्च कंटिन्यू करते रहे, अपनी फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए वो ढूंढते रहे कि कहां पे हमको पानी मिल जाए, वहां पे हम अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करेंगे। हाउ एवर द आगरीज हेल्प, उन्होंने जो अगारियास थे उन्होंने क्या की थी, इनकी मदद की थी, ठीक है। A few year later, a large area of forest was cleaned on the bank of river of Subarna Lekha has set up the factory and an industrial township, है ना। बहुत साल बाद उनको एक जगह को क्या किया गया, एक लार्ज एरिया फॉरेस्ट हो उसको क्लीन किया गया। वो कहां पे था, बैंक ऑफ रिवर सुबर्णा लेखा में था, उसको वहां पे फैक्ट्री को सेटअप करने की प्लानिंग की गई जमशेदपुर ने। हियर देयर वॉज अ वॉटर नियर द आयरन और ओर डिपॉजिट, वहां पे क्या था, पानी था जहां पे आयरन ओर डिपॉजिट था। द टाटा स्टील, द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को दैट केम अप टू बिगेन द प्रोड्यूसिंग आयरन स्टील इन ईयर 1912। तो यहां पे बेसिकली उनको पानी भी मिल गया था, अब यहीं पे उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज को क्या करना, सेटअप करना चालू कर दिया। कौन से ईयर ने, 1912 ने। टिस्को वॉज सेटअप एंड ये टाइम उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम था जब उन्होंने ये आयरन स्टील की कंपनी या फैक्ट्री को सेटअप किया,
ऑल थॉट द लेट 19th सेंचुरी आयरन वॉज इम्पोर्टिंग स्टील दैट वॉज मैन्युफैक्चर्ड इन ब्रिटेन. 19th सेंचुरी में आयरन कहाँ से इम्पोर्ट होता था, ब्रिटेन से इम्पोर्ट होता था, वहीं पे बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड होता था. एक्सटेंशन ऑफ रेलवेज इन इंडिया, रेलवे इंडिया का क्या होने लगा, एक्सटेंशन होने लगा. हैड प्रोवाइडेड ए ह्यूज मार्केट फॉर रेल्स, उन्होंने ह्यूज मार्केट प्रोवाइड कर दिया किसके लिए, रेल्स के लिए. द ब्रिटेन प्रोड्यूस फॉर लॉन्ग टाइम वाइल ब्रिटिश एक्सपर्ट इन द इंडिया रेलवेज एंड वर अनविलिंग टू बिलीव द गुड क्वालिटी ऑफ स्टील. वहां के इन लोग ऐसा सोच रहे थे कि इंडिया ने कभी गुड स्टील इंडस्ट्री खुलेगी नहीं. बट द टाइम ऑफ टिस्को वॉज सेटअप द सिचुएशन वॉज चेंज. जब टिस्को सेटअप हुई हमारी, है ना, टाटा स्टील इंडस्ट्री हमारी सेटअप हुई, तो सिचुएशन वहां की क्या हो गई, चेंज हो गई. इन 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोकन अप, है ना, 1914 में वॉर हुआ था. स्टील प्रोड्यूसर्स इन ब्रिटेन नाउ हैड टू मीट द डिमांड ऑफ वॉर. अब वहां पे डिमांड थी किसकी, स्टील की चीजों की डिमांड थी, कहां थे, यूरोप में. सो इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटेन स्टील इन टू द इंडिया डिक्लाइन ड्रामेटिकली एंड द इंडिया रेलवे टर्न टू द टिस्को टू सप्लाई द रेल्स. तो टिस्को से बेसिकली वहां पे जो वॉर हो रहा था, वहां पे जो भी सामान अमान उनको चाहिए था, वो कहां से जा रहा था, टिस्को से ही जा रहा था. एज द वॉर हैड ड्रॉड द सेवरल ईयर टिस्को हैड टू रिड्यूस द शेल्स एंड कैरियड व्हील्स द वॉर. द 1919 कोनोलियन गवर्नमेंट वॉज डाइंग 90%. अब 1919 आते तक ये जो वॉर हो रहा था, यहां से सारा हमारे यहां से बन के जा रहा था, 1919 तक आते तक जो गवर्नमेंट थी हमारी, कोलोनियल गवर्नमेंट थी, वो 90% तो खुद ही परचेज कर लेती थी, बाय कर लेती थी हमारे 90% स्टील, जो कि कहां मैन्युफैक्चर होते थे, टिस्को में. ओवर टाइम टिस्को केम टू द बिगेस्ट स्टील. अब टाइम निकलता गया और फिर क्या हुआ, टिस्को जो क्या बन गया, बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री बन गई ब्रिटिश एम्पायर में. सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी बन गई हमारी, टिस्को. इन द केस ऑफ आयरन एंड स्टील एज द इन द केस ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्सटेंड ऑकर्स ऑनली वेन द ब्रिटेन इम्पोर्ट इन टू इंडिया डिक्लाइन एंड द मार्केट फॉर इंडियन. जब बेसिकली बाहर से स्टील आना कम हो गया, ठीक है, तो हमारी इंडस्ट्रीज थोड़ी सी और बड़ी हो गई. और उसी तरह कॉटन का भी हुआ था, जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था ना, ब्रिटिश के टाइम पर वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, तो वहां पे हमारे कपड़े की डिमांड क्या हो गए थे, हमारे कपड़े काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए थे. और अब हमारे यहाँ क्या चल रहा था, गांधी जी ने क्या बोला कि आप सभी अपने यहाँ के बने हुए कपड़े पहनो, है ना, एक आंदोलन चल रहा था ना, खादी आंदोलन चल रहा था. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने ब्रिटिश नेशनलिज्म मूवमेंट जो चल रहा था, वहां पे क्या बोला गया कि गांधी जी ने भी बोला कि बाहर की चीजों को आप पहनना बंद कर दो, हमारे यहाँ के जो भी हाथ से बने हुए कपड़े उनको पहनना चालू कर दो. इंडस्ट्रियल गुड्स इंक्रीजेस, इंडस्ट्री के गुड क्या हो रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे थे. ये कब हुआ, दिस वॉज हैपन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड आफ्टर, पहले वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था. कब हुआ था, नेशनलिज्म मूवमेंट में. अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया नेशनलिज्म मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा, कि गांधी जी ने कैसे नेशनलिज्म मूवमेंट लाया. डेवलपमेंट एंड द इंडस्ट्री क्लास बिकम स्ट्रॉगर, और इसी तरह डेवलपमेंट हो रहा था और इंडस्ट्रियल क्लास क्या हो रहा था, स्ट्रॉगर बनता जा रहा था. द डिमांड ऑफ द गवर्नमेंट प्रोटेक्शन बिकम लाउडर, और जो डिमांड थी गवर्नमेंट की वो और भी ज्यादा लाउडर होती जा रही थी. स्ट्रगलिंग, जो स्ट्रगल हमने थोड़ा बहुत स्ट्रगलिंग थी की टू रिटेन द कंट्रोल ओवर द इंडिया, द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज कंसर्ट द मैनी ऑफ दीज डिमांड इन द लास्ट डिकेड ऑफ कोनिलियर. अब क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी, ट्राई कर रही थी कि वो अपना कंट्रोल हमारे यहाँ बना के रखे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को फिर भी हमारी बहुत सी बातें माननी पड़ी. तो यहाँ पे आप लोग का चैप्टर खत्म हो जाता है. आई होप आप सभी को चैप्टर समझ में आ गया हो. इफ देयर इज एनी डाउट देन यू कैन आस्क टू मी. थैंक यू स्टूडेंट्स.